top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businessmen. Big Tech, excellence with values. वो इतने ऊंचे पद पर हैं और जिस नैतिकता की बात मोदी जी करते थे उस नैतिकता की अगर कुछ परसेंट भी कुछ प्रतिशत भी उनके अंदर बचा हुआ है तो मैं समझता हूं स्मृति रानी को एकदम अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। स्मृति रानी हाय हाय, आगे की रणनीति क्या रहेगी इसके आगे? जब तक स्मृति ईरानी का इस्तीफा नहीं होगा इसी तरीके से उनका हर जगह पर विरोध करेंगे, मोदी जी के घर पर जाकर प्रदर्शन करेंगे और हर यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता स्मृति ईरानी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, मोदी की ईरानी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। देखिए कोर्ट के अंदर जितेंद्र तोमर जी का भी जो मुकदमा था दिल्ली के अंदर वो भी कोर्ट के अंदर था, लेकिन उसके बाद भी दिल्ली पुलिस ने उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की, जितेंद्र तोमर को दोषी पाया गया और आज वो सलाखों के पीछे है। और आप से शायद कितने प्रदर्शन, चाहे एलजी के घर पर हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे हों, चाहे केजरीवाल के घर पर हमने प्रदर्शन किया हो, लेकिन जितेंद्र तोमर का इस्तीफा हम लोग लेकर रहे। तो हमारी यही मांग है स्मृति ईरानी को इस्तीफा देना होगा, इस देश के लाखों करोड़ों युवाओं का भविष्य है। और आप एक बात बताइए कि किस तरीके से वाइस चांसलर और तमाम ऐसे ऊंचे पदों पर लोग हैं वो किस तरीके से, जिसकी फर्जीवाड़ा है, क्या नैतिकता बची हुई है कि वो एक ऐसे शिक्षा मंत्री से देश की बात करेंगे जिनके डिग्री पर कानूनी दाव सवाल या निशान लगे हुए।